ओके व्हाट्स अप, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आप अभी देखने वाले हो हमारा वर्कशॉप ऑन रमदान. एक्चुअली इट्स नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू फास्ट ड्यूरिंग रमदान, इट्स फॉर एवरीवन हु वांट्स टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जानते हो ना, तो ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग उसका बाप है. तो जब रमदान में लोग जो रोजे रखते हैं वो एक्चुअली ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं. तो आप रमजान में रोजे रखो नहीं रखो, मुस्लिम हो या नहीं हो, I would recommend you to watch this video. इस वीडियो में हमने बात की है कि ये एक महीने में तुम तुम्हारी हेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फास्ट तोड़ना कैसे है, फास्ट शुरू कैसे करना है, एक्सरसाइज कब करनी है एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो एन्जॉय दिस. अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक दे देना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना. ये मेरी वीकली वर्कशॉप आपको लाइव अटेंड करनी है तो व्हाट्सएप करो मुझे +9185001025. एंड If you haven't subscribed to my channel, please do it and share this across. Enjoy the video. How can we maintain our food cycle during fasting? We will cover that. Yes, sir. Aur kuch? सो लाइक हम जब फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो अराउंड 13-14 आवर्स विदाउट फूड विदाउट वाटर, तो उसके बाद ऐसा कौन सा हमें इंटेक करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ को लाइक कोई साइड इफेक्ट ना हो, कुछ गलत इफेक्ट ना हो. वी विल कवर दैट. एनीथिंग एल्स सर? इंस्टेड ऑफ फास्टिंग हाउ कैन वी मेंटेन आवर डाइट in normal days also? I want to learn that also, that how, what food should we include in our diet that our body gets full nutrition. Yeah, sure. I mean, we will touch upon that thoda sa, but Uneza, uske liye hai na, you have to attend my other workshops as well. So I conduct weekly nutrition workshops on different topics. Okay. Na? So you can be a part of them. Yahan pe, yeah. I want to keep this for exclusively for fasting or intermittent fasting that jo uske baare mein hum baat karenge. बट ऑफकोर्स हम न्यूट्रिशन इन जनरल भी बात करने वाले हैं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो आप पूरा बोझा मेरे पे ही डाल रहे हो ऐसा ना, आपको बताना नहीं है मुझे कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको खिलाऊं तो ही खाओगे आप. ओके, हाउ टू स्ट्रेटेजिकली यूज दिस रमजान पीरियड टू लूज बॉडी फैट? यस, वी विल टॉक अबाउट दैट. अमान 110% वी विल टॉक अबाउट. Cool, सही. फिर कौन कौन पास कर रहा है बाय द वे मंडे से? सर मी सर. तन्वीर, नाइस. अनेजा इज डूइंग? मी सर. ऑसम, ओके, गुड गुड, नाइस, सही है. पीपल हु आर फास्टिंग एंड पीपल हु आर नॉट फास्टिंग एंड पीपल हु who don't have to, I mean, because Ramzan is a very religious thing, but I've seen, so when I was in the UK, I've seen a lot of people who were not Muslims, but they used to do roze. Aur unse jab bhi meri baat hoti thi, to they do it for health reasons. Unko aisa, see, in fact, Ramzan ka tum abhi history bhi dekhne jaoge, to initially kya tha? It was about you starving and helping the people in need. उनको तुम खाना खिलाओ और तुम तो प्रिविलेज्ड हो तो तुम अपना थोड़ा खाना बचा के उनको खाना खिलाओ. दैट वाज द इनिशियल एंड देन यू स्पेंड मोर टाइम इन प्रेइंग एंड देयर वाज अ हेल्थ एलिमेंट एट द सेम टाइम. तो अ लॉट ऑफ पीपल डू इट फॉर हेल्थ रीजंस. ऑफ कोर्स इट्स अ होली मंथ, सो यू ट्राई टू रिकनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअल साइड. यू वांट टू शो योर ग्रेटिट्यूड कि हमारी लाइफ अच्छी है एंड हमें दोनों तरीके की लाइफ जीना सीखना चाहिए. हमारे पास खाना है, ऊपर वाले की कृपा है, बट जब हमारे पास नहीं भी हो तो भी वी आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दैट फेज. दैट इज द होल फिलॉसफी बिहाइंड रमदान, राइट? तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल फास्टिंग इवन इफ दे आर नॉट मुस्लिम्स एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मुस्लिम्स एंड दे डोंट फास्ट. पर्सनल चॉइस, राइट? वी आर हियर टू टॉक अबाउट के फास्टिंग का बेनिफिट क्या है. एंड आई गेट सो एक्साइटेड जब मुझे पूरा डिटेल पता चला था ना कि इट इज तुम इतने घंटे तक खाते भी नहीं हो और कुछ भी पीते नहीं हो. लाइक सो नो वाटर, नो फूड फॉर
14 hours and it differs in different countries. So if you are in a country like Norway, jahan pe sunlight 3 ghante ka hota hai, na? 3 ya 4 ghante ka. So you are fasting for more than 18-19 hours. 18-19 hours tak tum kuch nahi kha rahe ho, kuch nahi pee rahe ho. You are only eating for 3-4 hours. It differs from country to country. And that creates a lot of challenge. But अच्छा मुझे बताओ ना क्या क्या चैलेंजिंग क्या होता है रोजे में व्हाट ऑल डू यू फील क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं दिन में सो सर व्हेन इट इज एक्सट्रीमली हॉट दैट्स द ओनली थिंग भूख का पता नहीं चलता है बट यू रियली फील थर्स्टी You really feel thirsty. Because the days are longer in summer. So, you know, 6 o'clock tak, in Calcutta, we are like till 6 o'clock we are fasting from morning. That's fine. Subah 6 baje se? Nahin, subah 4 baje se, sham ke 6 baje tak we are fast on time. Fast karte hai. So, 6 baje jo iftar. So, bhook ka pata nahin chalta hai, sir. Yes, iftar is at 6. और वो हर दिन डिले होता जाता है राइट राइट और सही तो ये एक हो गया कि थर्स्ट और कुछ सो द फर्स्ट डे थोड़ा लगता है बिकॉज यू आर गोइंग विदाउट इट देन द सेकंड डे एंड द रेस्ट ऑफ द डेज आर वेरी स्मूथ बट या Now, since we have been fasting for so many years, you know, our body has been accustomed to this kind of a thing, you know. So, it is like, it's fine. Okay, cool. Tasneem ji ke alawa aur koi? Yeah, sure. Yes, can I speak? Sure. Yeah, so basically, I have two small kids. So, many a times, no, unknowingly, I go into anger, irritability more. Uh-huh. There are some kind of mood swings that happen. Uh-huh. Okay, so that is something, it is actual of hunger. Many a times I feel that. So how to tackle that and... Sure, Alfana. So that is another problem. So you get irritated, hunger pangs hote hain. So you get really frustrated. Aur kuch, aur koi problem? Exactly. मतलब होल डे जो फास्ट जो रखते हैं तो उस टाइम तो हाँ जैसे मैम ने बोला कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है भूख का तो इतना इफेक्ट नहीं होता है बट जब शाम में जब हम फास्ट मतलब अपना खोलते हैं तो उसके बाद जैसे जब नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो सारी जो मतलब वीकनेस होती है वो उस टाइम पर पता चलती है कि हाँ आप बॉडी में कुछ वीकनेस महसूस हो रही है उस टाइम ऐसा मतलब फील आता है ग्रेट वीकनेस थर्स्ट Irritability, yes. hunger pangs, anything else? By the way, this is not just hey, for people. Sir. Yes, go on. Kaun bola hai ye? This is Afreen. Afreen. Hi. Yeah. Meko ye puchna tha ki meko workout karna hai. To uske liye kaun sa time suitable hoga? Wo aapko main bata dunga. Par aap jab fast karte ho, to aapko kuch problem hota hai kya? During the fasting, I want to know the problems jisko hum fix kar sake. वर्कआउट का टाइम क्या कैसे आई विल टॉक अबाउट ओके ऑसम सही है सो एज आई वाज सेइंग कि दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर डूइंग रोजा दिस इज कॉमन सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग आई विल टॉक टू यू अबाउट द डिफरेंस तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू हैव यू आर गोइंग टू हैव हेडेक्स यू आर गोइंग टू फील थर्स्टी यू आर गोइंग टू फील वीक तुम्हें हंगर पैंग्स होंगे एंड एवरीथिंग यस What should we eat to relieve constipation? We will talk about that, Fizza. Thank you so much. Fizza, chat mein type kar do na so that I remember. Afreen, please, aap bhi. So okay. that I don't miss out on it. Okay, so let's begin. When we talk about Ramzan ka fasting, we are talking about dry intermittent fasting. Now, before we talk about dry intermittent, let's talk about intermittent fasting. So people, jinko nahi pata, उनसे इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 24 घंटे में कुछ आवर्स तुम्हें भूखा रहना है और तुम्हारे जितने भी मील्स है ब्रेकफास्ट लंच डिनर या मील 1, 2, 3 वो तुम्हें कुछ आवर्स के विंडो में खाना है राइट दैट इज योर क्लासिक इंटरमिटेंट फास्टिंग बट यहाँ पे डिफरेंट ये हो जाता है कि
तुम वो जो 8 hours का या 6 hours का विंडो है जहां पे तुम्हें खाना खाना है, वो तुम दिन में अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, वो रिलीजियस आवर्स है। तुम सनसेट से लेके सनराइज तक वो आवर्स लिमिटेड हो जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करते रहना थोड़ा थोड़ा, तनवीर है तस्लीम ना। तो वो जो आवर्स है, ईटिंग विंडो जो है ना, वो लिमिटेड हो जाता है और इट्स फिक्स, इट्स नॉट। सो नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, 8 घंटे में जो तुम्हें खाना है, तुम्हारे 3 meals, वो तुम फ्लक्चुएट कर सकते हो, सुबह 9 से शाम को 6, दोपहर 10 से 6, ऐसा तुम फ्लक्चुएट कर सकते हो। यहाँ पे इट्स इन द इवनिंग, ठीक है। सो दैट्स दैट। नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई में फर्क, मेन फर्क ये है कि नॉर्मल में तुम लिक्विड्स ले सकते हो, राइट, जहां पे कैलोरीज नहीं है। सो यू कैन हैव ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, सॉल्ट वाटर, ये सारी चीजें ले सकते हो। यहाँ पे नथिंग, नथिंग मतलब नथिंग, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एट रेस्ट थ्रू आउट द फास्टिंग आवर, विच इज सनराइज से लेके सनसेट। सो इट इज गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सुबह 4-5 बजे शुरू होगा और शाम को 6-6:30 बजे तक, विच इज 14 घंटे एटलीस्ट, है ना। सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन आई एफ। नाउ रोजे का या ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग का इन दिस मंथ बेनिफिट है ना, 2-fold है। 1, तुम जो फास्टिंग आवर में हो ना, वहां पे तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, बट वो बेनिफिट्स तुम्हें तब ही मिलेंगे जब तुम्हारे नॉन फास्टिंग आवर्स को तुम ध्यान से खाना खाओगे तो, है ना। सो प्रॉब्लम इज के अगर रमजान में सबको फिट हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो सबके 6-pack abs होते, किसी की बेली नहीं होती, राइट। द प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, पर जैसे इफ्तार लगता है ना, इफ्तार में क्या क्या होता है अवेश, बताओ तो अपने घर पे। बिरयानी, फालूदा, स्वीट, चिकन, प्रॉपर मजलिस, इट्स अ फीस्ट ना। सो दैट्स व्हाट, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। तो तुमने पूरे दिन में, तुम्हारी बॉडी ने जो मेहनत किया है ना, उस पर पूरा पानी फैल रहा है इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर योर ईटिंग आवर्स। एंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको सैलड्स खाने हैं या आपको बोरिंग खाना खाना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ईट बोरिंग फूड, आई एम आस्किंग यू टू अवॉइड थिंग्स विच आर हार्मिंग यू, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, है ना। सबसे पहला, किस किस को वेट लॉस करना है यहाँ पे? मी सर। वी ऑल वांट टू लूज फैट, राइट, बट अगेन कंडीशन सेम रहेगा। मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं अभी, प्रोवाइडेड तुम जो नॉन फास्टिंग आवर्स में क्या खाना खा रहे हो, तब तुम्हारा बॉडी दिन में तो फैट लॉस करेगा, पर शाम को अगर तुमने जंक खाना खा लिया तो नलिफाई, दैट इज गोइंग टू नलिफाई। तो आई विल टेल यू कि हाउ योर बॉडी इज बर्निंग फैट। तुम फास्ट कर रहे हो ना, नॉर्मल फास्ट, तो नॉर्मल फास्टिंग में जैसे तुम्हारे बॉडी को फास्टिंग स्टेज में जाते जाते टाइम लगता है, बट व्हेन यू आर डूइंग ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग इट्स क्विक। नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे के फास्ट में यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 5 hours मैक्सिमम, यहाँ पे तुम एटलीस्ट 10 घंटे का बेनिफिट ले रहे हो, मतलब तुम्हारा बॉडी स्ट्रेट लाइक 3-4 घंटे में फास्टिंग स्टेज में जा रहा है। जितना भी घंटा तुम फास्ट कर रहे हो, योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग योर बॉडी फैट फॉर एनर्जी। सो तुम सनराइज से लेके सनसेट तक कोई भी एक्टिविटी करो, योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग योर बॉडी फैट, सो यू आर बर्निंग फैट थ्रू आउट द डे। अमेजिंग, अमेजिंग। और उसके बाद हमारी बॉडी में there is this process called autophagy. autophagy का मीनिंग बताऊं उससे पहले हमें थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा
कि हमारी हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफस्टाइल कंडीशंस है ना, उनके पीछे एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सुना है कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? नो सर। ओके, एंटीऑक्सीडेंट सुना है? यस सर। मतलब पता है किसी को एंटीऑक्सीडेंट? रामू काका स्टाइल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। रामू काका को एंटीऑक्सीडेंट समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? आपका परसेप्शन क्या है, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। तो हम बोलते हैं ना कि जंक खाना खाने से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल से, तली हुई चीजें खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारा वजन बढ़ता है, हमें कोलेस्ट्रॉल होता है, थायराइड होता है, तो वो अंदर जाके कुछ करते होंगे उसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब हो रहा है ना? यस सर। तो वो जो जो जंक खाना है या स्मोक है या अल्कोहल है या ड्रग्स है या तली हुई चीजें या रिफाइंड शुगर, योर बॉडी ईदर डजंट आइडेंटिफाई देम एज फूड, अगर फूड नहीं है तो तुम्हारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिन है, और उनके उनको प्रोसेस करते करते ना योर बॉडी रिलीजेस अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है, और वो टॉक्सिन्स तुम्हारी बॉडी में ऐसे घूम रहे हैं, उन टॉक्सिन्स को हम बुलाते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को मैं मेरी भाषा में खुले सांड बुलाता हूं, बिकॉज दे आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड दे आर डैमेजिंग योर बॉडी सेल्स। तो वो पैंक्रियास के सेल्स को जाके डैमेज करेंगे तो तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, वो गॉल ब्लैडर पे जाके डैमेज करेंगे तो गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होगा, थायराइड ग्लैंड पे जाके डैमेज करेंगे तुम्हें थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तुम्हें इंटेस्टाइन पे जाके डैमेज करेंगे तुम्हें इंटेस्टाइन के गट इश्यूज होंगे। सो दिस इज व्हाट द अल्टीमेट बैड इफेक्ट ऑफ द जंक फूड दैट यू आर ईटिंग। तो वो जो डैमेज सेल्स है ना, उनको रिपेयर करने का काम तुम्हारी बॉडी का ही है, बट तुम्हें उसके लिए तुम्हारी बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा खाने पीने में। सो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली कीप ऑन ईटिंग, तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ चांस टू रिपेयर दोज डैमेज सेल्स, एंड दैट रिपेयर इज कॉल्ड ऑटोफेजी, जहां पे ऑटोफेजी अपने आप फेजी में खाना। तो तुम्हारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है ना, वो अनहेल्दी सेल्स को, डैमेज सेल्स को खाती जाती है रिपेयरिंग के लिए। That's called autophagy. And autophagy is at its peak when you are fasting. And it's on double peak when you are dry intermittent fasting. So, tum normal intermittent fasting kar rahe ho, usme bhi repair to ho raha hai. Par wo dugna ho jata hai when you are doing it dry. Because you are completely resting your body. Kuch digestive system is completely at rest. Tumhara autophagy is at its peak. Clear ho raha hai? Ye samajh mein aa raha hai kya main bol raha hu? Yes, sir. Yeah. So that is a massive benefit. It's big. It's big. और उससे होगा क्या? तो मैंने बोला ना कि वो सांड जाके मुक्के मार रहा है तुम्हारे सेल्स को, तो सूजन हो जाती है। इन्फ्लामेशन सुना है सबने? Yes, sir. कोई कहीं पे आपको चोट लगी या कहीं किसी ने पंच मार दिया तो तुम्हारा मुंह जो सूज जाता है ना, कोई भी बॉडी पार्ट, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो ये सुपरफिशियल ऊपर ऊपर का इन्फ्लामेशन है, वो है सेल्युलर इन्फ्लेमेशन। तुम्हारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, दे आर क्रिएटिंग सेल्युलर लेवल इन्फ्लेमेशन। सेल्युलर लेवल इन्फ्लेमेशन इज अगेन अ कॉज ऑफ सो मेनी कंडीशंस। कहीं पे भी आइटिस आता है ना पीछे, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, थायरोडाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन। सूजन, अंदरूनी सूजन, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसको रिपेयर करने का काम भी आईएफ में हो रहा है। सो दीज आर मेजर 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 बेनिफिट्स। उसके बाद तुम्हारा शुगर क्रेविंग इससे कंट्रोल होगा लॉन्ग टाइम। ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू मे फील क्रेविंग्स इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट थिंग्स ड्यूरिंग योर नॉन फास्टिंग आवर्स। ठीक है, सो दीज आर मेन। इसके बाद जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स है ना, तो वो तो अनगिनत है। जैसे तुम्हारा स्किन क्लियर होना शुरू होगा, बिकॉज तुम्हारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा जो स्किन का जो प्रॉब्लम है ना, वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो तुम्हें अगर एक्ने का प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है, रैशेस होते हैं, गो अवे। अमेजिंग, इट्स इंफ्लेमेशन गया, यू आर सीइंग चेंजेस ऑन योर स्किन।
ब्लोटिंग कम होगा. इफ यू आर समवन हु गेट्स ब्लोटेड अराउंड द टमी और फेस पे ब्लोटिंग दिखता है, आंखों के नीचे पफी दिखता है, गॉन. यू विल सी दोस चेंजेस. ठीक है, अभी तक किसी को कुछ सवाल है? No, sir. Okay. Okay. Cool. So, ये हो गए तुम्हारे benefits. Now, let's talk about the actual food thing. तो जो लोग रोजा करेंगे उनके लिए वो टाइमिंग फिक्स है. जो लोग दिन में ड्राई IF करना चाहते हैं, तुम्हारा टाइम तुम्हारे हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सो जब तुम तुम्हारा फास्ट शुरू करोगे और तुम फास्ट बंद करोगे, लाइक जो तुम्हारा खाने का पीरियड है, तुम्हें क्या खाना चाहिए, दैट मैटर्स अ लॉट, अ लॉट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुम्हारा आखिरी मील, भूखे रहने 14-15 घंटे तुम भूखे रहोगे, उससे पहले तुम्हारा आखिरी मील क्या होना चाहिए. फिर हम बात करेंगे कि तुम रोजा तोड़ोगे कैसे, इफ्तार में आइडियली तुम्हें क्या खाना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा आखिरी मील क्या होना चाहिए. आखिरी मील है ना, वो तुम्हारे पूरे दिन को डिसाइड करेगा कि तुम्हारा दिन कैसे जाएगा. तुम्हारे हंगर पैंग्स, तुम्हें प्यास कितनी लगेगी, तुम इरिटेबल फील करोगे या नहीं, वीकनेस कैसी होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि तुम आखिरी मील में क्या खाते हो. तो सबसे पहले हम थर्स्ट के बारे में बात करते हैं ना. सो ट्राई अवॉइडिंग कैफीन और टी ड्यूरिंग योर नॉन फास्टिंग आवर्स. ट्राई अवॉइडिंग इट बिकॉज कैफीन इज डायूरेटिक. वो तुम्हारी बॉडी में से पानी छोड़ता है, तुम्हारे सेल्स में से वो पानी निकालता है. तो तुम अगर कॉफी या टी पियोगे ना तुम्हारे इफ्तार के बाद, तो यू आर मोर लाइकली टू फील थर्स्टी ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे. ठीक है, सो दैट इज माई फर्स्ट टिप. ट्राई अवॉइडिंग कैफिनेटेड ड्रिंक्स ड्यूरिंग योर नॉन फास्टिंग आवर. टू, योर लास्ट जो मील है ना उसके बाद have a full like at least 700-800 ml of pink salt and lemon water. उससे हो salt भर के डाल सकते हो, like it can be a proper salty water. उससे होगा क्या, one, you will stay hydrated for longer hours. Two, you will not get the urge of urinating, so your water will still remain in your body. ठीक है, तुम देखो इट्स लाइक सप्लाई एंड डिमांड, इन एंड आउट, राइट. तुम प्लेन पानी पियोगे ना तो तुम्हारा बॉडी थोड़ा यूटिलाइज करेगा उस टाइम के लिए, एंड देन यू विल पी इट आउट. बट तुम्हें ज्यादा देर तक, हमें ऊंट बनना है ना बेसिकली, वी नीड टू स्टोर वाटर सो दैट वी कैन सस्टेन फॉर द होल डे, राइट. तो वो वाटर सस्टेन करने के लिए हैव हैवी सॉल्टेड लेमन वाटर. वाटर शुड बी ल्यूकवार्म और कोल्ड वाटर, नहीं मर्जी है आप, it's completely up to you. Okay, but make sure you are adding pink salt and lemon to it so that you are hydrated throughout the day. Theek hai, two, it will help you with your energy levels as well because you are adding electrolytes. Salt is electrolyte and it will help you with your energy levels. So tumhara weakness bhi compromise nahi hoga yahan pe, tumhara energy levels compromise nahi hoga. Excuse me sir. Yes, sure. Some my mother also keeps fast, but she is addicted to tea. Okay, mm-hmm. And whenever she skip her tea, and whenever she skip her tea, she used to feel headache and all. So how to control this? Unko tea ke jagah pe herbal teas try karwa because she is not getting headache because she is not drinking tea. It's the टी का जो हैबिट हो चुका है. यस सर, शी यूज्ड टू टेक कैफीन, कैफीनेटेड ड्रिंक्स. कैफीन इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस, सो वंस यू, इट्स अ विड्रॉल. सो इफ यू आर लीविंग एनी एडिक्टिव सब्सटेंस, तुम्हें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे एंड हेडेक इज वेरी कॉमन विड्रॉल सिम्टम. यस सर, तो उनके लिए यही टिप रहेगा कि हर्बल टी पिलाओ, दैट वुड बी बेटर, नॉट ग्रीन टी. ग्रीन टी हैज कैफीन टू बाय द वे, सो बी माइंडफुल. ओके सर, अब बात करते हैं खाने की. सो ये हो गया तुम्हारा प्यास का. खाने में है ना, हमें थिंक लॉजिकली, वी नीड टू ईट समथिंग जो हमें लंबी देर तक चले, लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल चाहिए हमें. हमें वो वाला फ्यूल नहीं चाहिए जो
खाते ही यूज हो जाए. वी नीड लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल, राइट? तो लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल में अगर आपने कभी मेरा न्यूट्रिशन का सेशन अटेंड किया तो तुम्हें पता होगा, बट आई विल टेल यू, हमारा खाना मेनली तीन चीजों में से आता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स. ठीक है, तुम्हारी बॉडी को तीनों को तो सुन, जो तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी को तोड़ना पड़ेगा ना वो खाने को टू यूटिलाइज करने के लिए. वो खाना हमें एनर्जी देता है, हमें हमारा एनर्जी लेवल ऊपर रखता है, हमें अवेक रखता है, फोकस रखता है एंड ऑल. तो वो जो तीन टाइप का खाना है इनको तुम्हारी बॉडी तोड़ेगी और उसमें से एनर्जी रिलीज करेगी, राइट? तो अगर तुम ऐसा कोई खाना खा रहे हो जो तुम्हारी बॉडी फट से तोड़ दे, एनर्जी रिलीज कर दे, तो वो एनर्जी फटाफट से यूटिलाइज हो जाएगी एंड देन यू विल वांट टू, यू विल फील हंग्री अगेन. तो हमें ऐसा कुछ खाना खाना है जो धीरे धीरे टूटे ताकि तुम्हारी बॉडी लंबी देर तक उससे काम चला सके. लॉजिक बनता है ये? यस सर, दिस इज लॉजिकल, राइट? तो सबसे पहला तीन जो है ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. प्रोटीन्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारी बॉडी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोटीन्स को तोड़ने में. यस सर, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. तो पहला पॉइंट तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम जितना, आई एम नॉट श्योर तुम कितना मील खाते हो, इफ्तार खाते हो, फिर रात को सोने से पहले एक खाते हो, फिर सुबह उठ के नमाज पढ़ने से पहले या बाद एक मील खाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तीन बिफोर प्रेइंग, बिफोर प्रेइंग, राइट? तीन मील्स होते हैं ना इफ टोटल? यस सर, इफ्तार, डिनर एंड दैट बिफोर प्रेइंग, बिफोर प्रेइंग, राइट? तो ये जो तीन मील है ना, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तीनों मील प्रोटीन से शुरू हो रहे हैं और उन तीनों ही मील में प्रोटीन है. दैट इज मैंडेटरी, यू, दैट इज नॉट नेगोशिएबल. यू आर नॉट जस्ट हैविंग बिरयानी, यू आर नॉट जस्ट हैविंग गार्लिक नान, यू हैव टू हैव चिकन टिक्का विथ इट, लैम्ब विथ इट, अच्छा सा कुछ प्रोटीन वाला करी. नाउ प्रोटीन यू गेट फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. If you are eating non-veg, chicken, mutton, egg, fish. If you are a vegetarian, paneer, soya, chana, dal, your all the legumes, your soya chunks, your tofu, your dahi, protein supplements, ye sari cheezon mein se tumhe protein milega. So make sure, main aapko ek list bhejne wala hu protein ka, by the way. वो प्रिंट आउट करो, फ्रिज पे लगाओ, तुम्हारे हर मील में, इफ्तार, डिनर, सुबह, फास्ट से पे, तीनों में यू आर एडिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. वो जो मैं लिस्ट भेजूंगा ना उसमें 100 ग्राम में कितना प्रोटीन मिलता है लिखा जाएगा. तो एटलीस्ट 40 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए तुम्हारे एक मील में, ठीक है? सो तुम चिकन खा रहे हो तो चिकन के 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन होता है, 150 ग्राम चिकन एटलीस्ट, अच्छा खासा. अंडे खा रहे हो तो 5-6 अंडे खा सकते हो तुम बिंदास. Have good food, not less, good. Okay, that's first tip. Protein ka list tumhe mil jayega. Simple hai. Phir, dusra. Uske baad aata hai tumhara fats. Now, bahut saare logo ko fat se dar lagta hai ki yaar, mujhe to fat loss karna hai, to aap fat kyun khila rahe ho mujhe? Hai na? Kisi ko dar lagta hai kya fat se? Is anyone who's scared of eating fat? Yes, sir. डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्वीट, शुगर, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्री, मिठाई, तली हुई आइटम, उसको फैट्स मानते हैं, बट दे आर नॉट फैट्स, दे आर ट्रांस फैट्स, दे आर कंबाइंड विथ शुगर, दे आर मेनली शुगर्स, दे आर नॉट फैट्स. मैं कौन से फैट्स की बात कर रहा हूँ? मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ. आलमंड्स, वॉलनट्स, कैशूनट्स, पिस्ताचियो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, घी, एवोकाडो, अंडे का पीला, फिश, मटन, ये सारे अच्छे वाले फैट्स हैं तुम्हारे. तुम्हें तली हुई चीजें नहीं खानी है, बट तुम ये सारी चीजें खा सकते हो जो मैंने बोला अभी. यू हैव टू हैव देम. तुम इफ्तार कर रहे हो ना, इफ्तार जब रोजा तोड़ रहे हो, मेक श्योर यू आर हैविंग हैंडफुल ऑफ नट्स एंड चिकन, है ना? Yes, sir. This is a long term fuel. मिठाई खाओगे तो 10 मिनट में एनर्जी खत्म हो जाएगा उसका. But if you are having this, you are full. That's the second tip. Again, कौन से फैट्स खाना है उसका लिस्ट तुम्हें मिल जाएगा. You don't have to remember these things.
यू विल गेट इट. तीसरा मेन दुश्मन यहाँ पे, उनसे थोड़ी परहेज रखनी है हमें, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ हमें ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. शुगर पता है ना सबको? यस सर. कहाँ कहाँ से मिलती है शुगर हमें? सर शुगर केन. शुगर केन. यस. और कुछ? हमारे खानों में कहाँ कहाँ होती है शुगर? कोई किस राइस 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 पोटैटोस पोटैटोस फ्रूट्स फ्रूट्स यस सब ब्रेड्स ब्रेड यस व्हीट व्हीट. सो राइस इज अ ग्रेन. ऑल द ग्रेन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. सारे कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. फ्रूट्स शुगर. वेजिटेबल्स शुगर. ब्राउन ब्रेड लो या व्हाइट ब्रेड लो. ब्राउन राइस यो व्हाइट राइस. स्वीट पोटैटो नॉर्मल पोटैटो. ओट्स योर ऑल द ग्रेन्स जवार बाजरा रागी मिलेट सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है. इवेंचुअली सब जाके तुम्हारी बॉडी में शुगर बनने वाला है. जो तुम चाय में डालते हो शक्कर वो भी शुगर है. मिठाई में जो शक्कर डालती है वो भी शुगर है. हनी भी शुगर है. गुड़ भी शुगर है. ठीक है. इट डजेंट मीन कि सारे शुगर एक टाइप के हैं. उन दोनों में फर्क है. ठीक है. तो शुगर दो टाइप की होती है. सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर. सिंपल मतलब वो बहुत ही सिंपल है तुम्हारी बॉडी को तोड़ने के लिए. कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स फॉर योर बॉडी टू ब्रेक डाउन. सिंपल है तो फट से टूट जाएगा. कॉम्प्लेक्स है तो धीरे धीरे टूटेगा. हमें कौन सा वाला चाहिए? The complex one. Complex one. हमें धीरे धीरे टूटने वाला चाहिए बिकॉज हमें दूसरे दिन लंबी देर तक एनर्जी चले वैसा कुछ खाना खाना है. राइट. तो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज मिनिमाइज. इफ यू वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर फास्टिंग सिंपल शुगर्स बिल्कुल भी ना लो. बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं. कोई भी मिठाई का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए. हनी भी नहीं. गुड़ भी नहीं. शक्कर भी नहीं. चॉकलेट भी नहीं. आइसक्रीम भी नहीं. फलूदा भी नहीं. शरबत भी नहीं. रूह अफजा भी नहीं. आई एम एडिक्टेड टू ऑल दीस थिंग्स. प्रॉब्लम है बट एक्चुअली आफ्टर ब्रेकिंग माय फास्ट आई यूज्ड टू क्रेव फॉर ऑल दिस चॉकलेट एंड स्वीट्स एटसेट्रा. तो प्रॉब्लम नहीं होने जा. द प्रॉब्लम इज के देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट ईटिंग जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है. यस सर. यू आर सेइंग समथिंग. आई डोंट ईट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग फास्टिंग. पर कुछ बोल रहे थे आप? So, would taking fruits in my non-fasting hours, and I remember that we've discussed the best timing to have fruits is sooner in the day. Okay. But is it spoiling my IF or in some way? Not spoiling it as such. No, IF is it's not being spoiled. It's just more sugary things or more simple carbs you have. You are more likely to feel hunger pangs because sugar spike was niche aa gaya. So you are more likely to feel hunger pangs. So if you don't want to struggle during IF, then minimize simple sugars. That's what my suggestion is. So jin logo ko cravings hote hain, headache ho raha hai, bahut hunger pangs ho rahe hain, irritated feel ho rahe ho, ye sugar ka kamaal hai. Aur tumhe sugar cravings bhi koi reason ki wajah se hote hain, so we will talk about that reason. To wo tum ये जो प्रोटीन और फैट्स के बारे में बात की तुम ये दोनों फिक्स करो. और तीसरा मैं तुम लोगों को सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का लिस्ट भेजूंगा. सिंपल मिनिमाइज टू नन एंड कॉम्प्लेक्स सारा होना चाहिए. सो कॉम्प्लेक्स में लेट से तुम रोटी बना रहे हो तो मिलेट रागी जवार बाजरा उनकी रोटी बनाओ गेहूं के कंपेरिजन में. या तो मल्टीग्रेन आटा करो. आटे गेहूं के आटे में चना सोया ऐसा कुछ डाल दो तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. राइस खा रहे हो तो हैव ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस. ब्रेड खा रहे हो तो हैव होल व्हीट ब्रेड इंस्टेड ऑफ व्हाइट ब्रेड. पोटैटो खा रहे हो तो हैव स्वीट पोटैटो इंस्टेड ऑफ व्हाइट पोटैटो. तुम्हें ओट्स अच्छा लगता है तो ओट्स खाओ. किनोआ अच्छा लगता है तो किनोआ खाओ. वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाओ. ठीक है. इफ यू एड दीज थिंग्स तो तुम्हारा शुगर क्रेविंग अपने आप सबसाइड होगा. शुगर क्रेविंग का सर्कल इज अ विशियस. तुम शुगर खाओगे तुम्हारा इंसुलिन ऊपर जाएगा फट से नीचे आएगा तुम्हें वापस से शुगर खाने का मन करेगा. इट्स अ विशियस साइकिल. सेम गोज फॉर फ्रूट्स. यस इट्स अ विशियस साइकिल. ओके
तो तुम्हें अगर शुगर क्रेविंग कम करना है तो तुम एक बार ये सारी जो चीजें मैंने बताई वो बढ़ाओ, अपने आप नेचुरली यू विल फील कि तुम्हारा शुगर क्रेविंग कम हो रहा है। जबरदस्ती नहीं करना खुद की बॉडी के साथ ये सारी चीजें। आई ऑलवेज से दिस, वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स ओनली बिकॉज वी ईट थिंग्स विच वी शुडन बी ईटिंग, we have problems because we don't eat things which we should be eating. Hamari diet mein hum proteins aur fats sahi se nahi khate hain, carbs bahut zarurat se zyada khate hain, uski wajah se hame ye sare problems ho rahe hain. It's not the other way around. Tumhe fat ki wajah se fat nahi ho raha hai, tum sugar zyada kha rahe ho, usko utilize nahi kar rahe ho, wo fat mein store ho raha hai and that is creating the whole issue. To सोल्यूशन इज सिंपल, वेन यू स्टार्ट योर लाइक फास्ट शुरू हो रहा है उससे पहले 700-800 ml नींबू पानी नमक के साथ पी लो तो वो थर्स्ट और हेडेक में हेल्प करेगा, एनर्जी लेवल्स विल बी गुड। ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हाई प्रोटीन हाई फैट ड्यूरिंग योर मील्स, जो तुम्हारे मील्स खा रहे हो तो दैट विल हैव सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू आउट द डे, तो तुम्हारा एनर्जी भी अच्छे से चल रहा है, तुम पूरा दिन बॉडी फैट यूज कर रहे हो, तुम्हें एनर्जी लेवल्स अच्छा है, वीकनेस नहीं फील हो रही है, सारी चीजें स्मूथली जाएंगी तुम्हारी एंड यू विल थैंक मी लेटर। एक हफ्ते में ही तुम्हें पता चलेगा कि ये छोटी छोटी टिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सो वन स्मॉल क्वेश्चन, सो द सॉल्ट लेमन ड्रिंक दैट यू रिकमेंडेड, इट वुड एंश्योर वाटर रिटेंशन इन द बॉडी एंड स्पेशली फॉर ड्राई आईएफ इट्स रिक्वायर्ड दैट योर सेल्स हैव दैट लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी, इट्स ओके। But that technique of ours where we wanted to, you know, suppress leptin ghrelin wala balance karna tha with some water. Water, yeah. So that won't hold good here. No, because that won't. No. Yeah. No, you're not. Wahan pe, this is the way it is. Wahan pe wo aayega hi nahi. Because if you are feeling hungry, uska सोल्यूशन यही है कि यू ईट राइट थिंग्स ड्यूरिंग योर नॉन फास्टिंग आवर्स सो दैट यू कैन सस्टेन ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स एंड यू कैन डू दैट। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जो थर्स्ट है ना, थर्स्ट तो यू वुड थिंक ना कि ड्राई आईएफ है और हम डिहाइड्रेशन हो रहा है पूरा दिन तो इट शुड अफेक्ट आवर बॉडी इन अ नेगेटिव वे, राइट? क्योंकि हम डिहाइड्रेशन से तो बचते रहते हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। एक ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल मिरेकल समथिंग लाइक दैट हैपन्स इन आवर बॉडी। सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, किसी ने सुना है? सो जैसे हमने बोला ना कि तुम्हारे फास्टिंग आवर्स में योर बॉडी इज बर्निंग योर स्टोर्ड फैट और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो तुम्हारा बॉडी जब फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर रहा है तो उसके बाय प्रोडक्ट में वाटर एंड CO2 रिलीज हो रहा है। यस सर। दैट वाटर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर एंड योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग दैट वाटर फॉर हाइड्रेशन। दैट्स अमेजिंग। दैट इज मिरेकल, दैट इज मैजिक। तो If you are doing it, so कभी कभार ना हमारे दिमाग में ये answers नहीं होते ना तो हम सोचने लगते हैं कि यार आई हैव ड्राई से डिहाइड्रेशन हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है। नहीं, योर बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। इट्स दैट वी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सो फ्रीक्वेंटली तो ये जो अचानक से गैप आया है ना तो यू आर गेटिंग इन टू अ शॉक एंड योर थर्स्ट मैकेनिज्म इज मेकिंग यू गो क्रेजी। बट इफ यू कीप ऑन कनेक्टिंग टू योर बॉडी बैक एंड टेल योर सेल्फ के इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, माई बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, आई एम ओके विद इट, I have to just get through it. I am getting a lot of benefits. Ramadan month is a lot to do with spirituality. You are getting connected to your spiritual level. You are getting grounded. You are showing more gratitude towards life. Ki hamare paas kitne sare privileges hain, but I can't use any of those privileges for 14 hours of my day. Do you know the importance of gratitude, by the way? Kabhi socha hai? Scientific way mein kabhi socha hai ki gratitude kya hota hai? जी सर, कभी इंपॉर्टेंस समझा है ग्रेटिट्यूड का? इट्स साइंस बेस्ड थिंग। इफ यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स एवरी डे, इट हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ इन पॉजिटिव वे।
Yes. Yes, sir. Totally agree. And that's what you're doing in dry IF because you don't have any other option. You have spoiled your body with so much of food on daily basis that you can't handle that. And then that's where you will be like, oh my days. Jab main fast nahi karta hoon, toh main kitna privileged hoon. And now I'm just thankful for all those things. Yahan pe mujhe nahi khana. So in a nutshell, there is that. In Ramadan, you'll be doing dry IF. Dry IF ke benefits hai, you'll be burning energy, fat throughout your day when you are fasting. Tumhara autophagy peak pe hai, toh tumhara inflammation aur tumhara oxidative stress kam ho raha hai, which is the cause of a lot of metabolic disorders. So you are transforming that. In the long run, you will have better control on your sugar. So agar tumhe check karna hai ki ek mahine mein tumne kya kya benefit kiya hai, get your blood reports done tomorrow. Please. Lipid profile karao, HbA1c karwao, tumhara liver profile karao, urine routine test karwao. In agle mahine wapis se wo check karo. तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना ड्रॉप हुआ है, तुम्हारा शुगर सेंसिटिविटी कितना अच्छा हुआ है इन अ मंथ. सो पीपल हु आर सीरियसली कंसीडरिंग टू मेक अ चेंज, डू दैट. तो अगले महीने तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना बेनिफिट, एंड दैट विल मोटिवेट यू. सर, कैन यू प्लीज रिपीट द नेम ऑफ दोस टेस्ट? यस, आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स फॉर यू. ओके सर. So ये चार, this will cover most of the things. So तुम्हें अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, you are fixing that. If you have diabetes, you are fixing that. If you have hormonal imbalance, it's fixing that. After. So it should be the last thing that you are consuming. Lemon water should be the last thing that you are consuming. उसके बाद तुम्हारा fast शुरू हो जाएगा. And when you break your fast, is it mandatory tasneem ke date kha ke todna chahiye aisa? Yes sir, it is mandatory. It is mandatory, okay. Yes. So don't go crazy basically because dates have sugar. Don't like dates khana hai to ek bowl bhar ke 10 12 15 dates nahi khana hai. Only 1-2 dates. Ek do date khao and then you go to a proper meal which is high protein fats wala. बट सर एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में जैसे आपने बोला कि लेमन वाटर पीने के बाद फास्टिंग स्टार्ट करो, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कोल्ड वाटर भी पी लेता हूँ या फिर लेमन वाटर, तो मतलब मेरे गले में मतलब कफ जैसा मतलब फील होने लगता है, तो वो मुझे सूट नहीं करता मतलब. You can buy some other electrolytes. So electrolyte pouch आते हैं जी, जो ORS types होता है ना, but not with sugar. इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट आता है, यू कैन परहैप्स बाय दैट. तो लेमन वाटर की जरूरत नहीं, खाली सॉल्ट वाटर बना लो इलेक्ट्रोलाइट डाल के. ओके, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट पाउडर सर्च करो गूगल पे और कोई भी फार्मेसिस्ट पे जाके तुम ले सकते हो. ओके श्योर, ठीक है. ओके ओके, थैंक यू. SNM, सो कैन वी टेक फ्रूट्स? यस, यू कैन टेक फ्रूट्स ड्यूरिंग इफ्तार, बट हैव इट एट लास्ट. Don't start your iftar with fruits. Dates kha liya ek do, uske baad tum tumhara protein aur fats aur acha wala carb khao. At the end, if you want, keep the portions low because again, fruits are sugar. Especially when you are trying to lose weight, try avoiding them. Don't consume a lot. You can take curd. Curd is amazing source of protein. You can. कर्ड के अंदर सॉल्ट डाल दो, सॉल्टी कर्ड अच्छा लगता हो तो. और कुछ बताओ. इवन द कर्ड इन इंडियन मार्केट हैज शुगर. या दे हैव एडेड शुगर. आई सॉ द निस्ले वाला एंड इट वाज लॉट्स ऑफ इट. थिंक सो इट डिपेंड्स व्हाट. एपिगामिया इज अ रियली गुड ब्रांड इफ यू, पर होम कुक्ड कर्ड इज बेस्ट. या okay, we have 7 minutes. Let's
यार एक घंटा बहुत जल्दी खत्म हो गया. So protein supplements, yes, I would recommend if you are not consuming enough protein. So, तुम्हें तुम्हारे वजन और तुम्हारी डेली एक्टिविटीज के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, विच इज सो फर्स्ट यू डू चेक योर वेट और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक से दो के बीच में. सो अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें 1 gram per kg ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए. इफ यू आर डूइंग वर्कआउट इट विल डिपेंड कितना वर्कआउट कर रहे हो, 1.2 से लेकर 2.2 gram per kg ऑफ योर बॉडी वेट तुम्हें प्रोटीन चाहिए. ठीक है, सो यू फिगर दैट आउट एंड उसके हिसाब से तुम्हें सारा खाने में से अगर खा सकते हो वेल एंड गुड. अगर प्रोटीन थोड़ा कम पड़ रहा है तो यू कैन ऑलवेज टेक सप्लीमेंट्स. एक स्कूप में 24-25 ग्राम आता है. सो नाउ समवन आस्क्ड अस अबाउट द वर्कआउट थिंगी, राइट? कोई वर्कआउट करने का प्लान कर रहा है क्या? यस. ओके, मी आफरीन. हाय आफरीन. ओके, सो वर्कआउट का सीन ये रहता है कि यू हैव लिटरली टू ऑप्शंस. वन, यू डू वर्कआउट इन द मॉर्निंग. सो जैसे तुम्हारा लास्ट मील खाया, नमाज पढ़ दी एंड उसके बाद यू डू वर्कआउट. दैट्स ऑप्शन वन. ऑप्शन टू, यू हैव योर इफ्तार एंड एक घंटा वेट करने के बाद वर्कआउट करो. इफ्तार के एक घंटा बाद वेट करने के बाद वाला ऑप्शन इज बेटर बिकॉज तुम्हारे पास और सपोर्टिव मील्स हैं उसके बाद. तो तुमने इफ्तार किया, वर्कआउट किया, फिर डिनर भी आएगा, फिर रात को रेस्ट करोगे, फिर सुबह भी एक मील जा रहा है, तो यू हैव बेटर रिकवरी. ओके, बट इफ यू आर वर्किंग आउट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इट विल बी बिट चैलेंजिंग बट इट विल हेल्प यू लूज वेट मोर, लाइक मोर वेट, बिकॉज तुमने वर्कआउट किया है, तुम्हारा मेटाबोलिज्म ऊपर गया है एंड यू आर पुशिंग द फैट लॉस मोर ड्यूरिंग द डे. बट इट विल बी चैलेंजिंग, यू विल फील वीक, तुम्हें डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा. सो दीज आर द टू ऑप्शन. सो आई वुड से ऑन अ सेफर साइड वर्कआउट आफ्टर योर इफ्तार, बट वेट फॉर एन आवर बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू डाइजेस्ट और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगा. ओके, ठीक है. तो या वन मोर क्वेश्चन, क्या रमजान में कीटो कर सकते हैं? यार कर तो सकते हो आफरीन, बट इट विल बी आइडियल इफ यू कैन. इफ यू कैन डू कीटो अमेजिंग रहेगा, बट चैलेंजिंग बहुत हो जाएगा, काफी चैलेंजिंग हो जाएगा. ओके, नहीं क्योंकि रमजान में ऑलरेडी नॉन वेज के मतलब एकदम हाई पीक होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नॉन वेज डेली कंज्यूम करते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. बट अगेन कीटो इज नॉट अबाउट ईटिंग नॉन वेज ना, कीटो इज अबाउट ईटिंग हाई फैट्स. तो अक्खे अंडे बहुत सारे खाने पड़ेंगे, अच्छा खासा फिश खाना पड़ेगा, यू टू ईट अ लॉट ऑफ नट्स एंड सीड्स एंड ऑल, यू अ लॉट ऑफ मक्खन एंड घी. चिकन का क्वांटिटी थोड़ा कम होगा बिकॉज चिकन इज प्योर प्रोटीन, है ना? बट इफ यू आर प्लानिंग टू डू कीटो, मेक श्योर यू आर डूइंग इट अंडर न्यूट्रिशनिस्ट का सुपरविजन. इट कैन अफेक्ट यू नेगेटिवली इफ यू आर नॉट डूइंग इट राइट. ओके, इट्स अ वैसे भी कीटो शुड बी डन अंडर सुपरविजन, इट शुड, यू शुडंट बी अटेम्प्टिंग ऑन योर ओन. वी फील एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर इफ्तार एज बॉडी थ्रोज होल एनर्जी ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेनी टाइम्स वी कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू. यस एग्जैक्टली, सो दैट्स अ रीजन आई सेड अल्फाना eat right and wait for 60 to 90 minutes before you go off for workout. So 6 baje tumne kha liya, 7:30-8 baje you go for workout. Give your, and if you eat right na, right is very important. If you eat high sugary foods, insulin spike, energy drop. If you eat complex carbs, good proteins, good fats, you're feeling good. You can go actually do a proper workout. So there is that. फिजा ने पूछा था अबाउट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का कॉज है लैक ऑफ फाइबर एंड डिहाइड्रेशन. सो ईट लोड्स एंड लोड्स ऑफ वेजीज, इफ्तार में भी, डिनर में भी और सुबह वाले मील में भी. ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, नींबू वाला जो पानी बोला वो भी अच्छे से पियो, कॉन्स्टिपेशन विल बी रिकवर्ड इन दैट.